तो बात ऐसे है, तो कल आफ्टरनून, कल रात को, कल इवनिंग को हम लोग को ये सोशल मीडिया की तरफ से तो हम लोग को ये देखने को मिला है, जो जो दो एक तो जो रिप्रेजेंटेशन है, जो लेटर, दो लेटर, एक तो है जो हमारा जो इस कमिंग का जो प्रीमियर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑल इस कमिंग स्टूडेंट यूनियन का तरफ से, और दूसरा एक तो हम लोग को देखने को मिला है जो हम लोग का जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल जो इस कमिंग का है, जो हायर सेकेंडरी स्कूल देवो कॉलोनी, तो वहाँ का जो प्रिंसिपल लर्नेड और कोचो जम्मू का तरफ से डीसी को एक तो रिप्रेजेंटेशन लेकर है, तो वो दोनों जो लेटर जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रिसेंटली जो आप लोग को पता है यहाँ में जो बेबो कॉलोनी का हायर सेकेंडरी का जो बगल में एक तो बैडमिंटन हॉल न्यूली इनोग्रेटेड हुआ है, तो उसको लेके दोनों ने एक रिप्रेजेंटेशन डीसी को लेकर है, तो उसको लेके हम लोग आज ऑन बिहाफ ऑफ संगतुंग एंड संगी वेलफेयर सोसाइटी, हम सभी यहाँ पे जो संगतुंग एंड संगी जितने भी यहाँ पे जो हमारा जो चार बस्ती में बसा है, तो जितने भी जो हमारा एल्डर्स है, गांगुरा हेड जीबी, हमारा जो जितना जो एजुकेटेड मेंबर्स है, तो मैं संगतुंग संगी वेलफेयर सोसाइटी का मैं जनरल सेक्रेटरी है, मेरा नाम जेदा सिंह है, और ये हमारा सोसाइटी का जो वाइस चेयरमैन है गोविंद सिंह, ये हमारा सोसाइटी का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है राजेश सिंह, और ये हमारा एडवाइज़र है तना सिंह, और हमारा जितना भी जो सोसाइटी का मेंबर है, तो आज उस दो लेटर को लेके जो पब्लिक के बीच में थोड़ा सा जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जो मिसकंसेप्शन जो हो रहा है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह मतलब क्लैरिफाई करने के लिए हम आया है। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा जो बाई लो का जो ऑल इसका स्टूडेंट यूनियन का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन में जो लिखा है स्पेशली जो 3 पॉइंट लिखा हुआ है, तो उसको हम थोड़ा सा ये जितना भी हमारा जो इस कमिंग में जो पब्लिक है, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक ये सर्कल से आके जो इस कमिंग में जो सेपा में फंसा हुआ है, और जितना भी जो हमारा इस कमिंग का जो CBO से जितना भी जो एल्डर्स है, सभी को हम ये चीज़ को हम थोड़ा सा मिसकंसेप्शन जो हो रहा है, तो हम आप लोग का बीच में हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि इसलिए हम सोसाइटी आज यहाँ आया हुआ है। तो ऐसा है कि फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को ये सोशल मीडिया के थ्रू से ये देखने मिल रहा है कि रिप्रेजेंटेशन एक्सू का रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि जो आतो सोपा जो बैडमिंटन जो हॉल है जो रिसेंटली इनोग्रेटेड किया है, तो वो जो वो आतो सोपा का जो बैडमिंटन हॉल है, ऐसा लिखा है कि वो जो जो कंट्रेक्टर जो उस जो किया है जो बैडमिंटन हॉल को, वो एक इल इंटेंशन के साथ में अपना पर्सनल मोटिव के साथ में उसको मतलब अपना पिताजी का फोर फादर का नाम को इल इंटेंशन के साथ में सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नाम रखा है बोल के ऐसे लिखा है, और ऐसे भी लिखा है कि जो सोपा सिंगी जो हम लोग का जो जितने भी जो संगी है, जो हमारा जो तीन बस्ती में जो बसा हुआ है, जो उसको उसका बेटा जो हमारा सोपा सिंगी जो हम लोग का ग्रेटेस्ट जो ग्रैंडफादर है, तो उसका बेटा जो अभी जो अटरंग संगी में है, संगरिगमा संगी में है, जो डोनीगांव में है, वियो में है, जो चारों बस्ती में जो बसा हुआ है, तो हम लोग का ग्रैंडफादर अतो सोपा का कुछ भी इस कमिंग का ये डेवलपमेंट में इस कमिंग के लिए कुछ भी क्रेडिट नहीं है बोल के ऐसे लिखा है, इसलिए वो अतो सोपा बैडमिंटन हॉल को ये बेबो कॉलोनी हायर सेकेंडरी बैडमिंटन हॉल रखना है बोल के ऐसा इन लोग का ऐसा पॉइंट है। तो हम सारा जितना भी जो इस कमिंग का जो जनता है, जो जितना भी जो हमारा जो इस कमिंग में, तो आप सब जानता है फ्रॉम बाना से लेकर आपका लादा ये आपका लमदंग से लेकर पीपू, ये आपका बाना से लेकर सियांग का जो सब हम लोग इंटरकनेक्टेड है, और हम लोग आपस में सब जानता है कि कौन किसने क्या किया है इस कमिंग के लिए, हम लोग आपस में पूरा जानता है, तो इसलिए ये बात भी ये सब जानता है हमारा जितना भी जो सेपा का जो हर क्षेत्र से जो सेपा में जो बसा हुआ है, हर एक लोग जानता है कि सेपा का जो टाउनशिप आज हम लोग जो बेद रहे हैं, जो 60% जो उसका जो लैंड है जो जमीन है,
तो हम लोग का जो संगी, हम लोग का जो फोर फादर जो आतो सोपा ने उसको मतलब कंट्रीब्यूट किया है, डोनेटेड किया है, राइट फ्रॉम ये डीसी ऑफिस से लेकर अभी जो जहाँ पे ये जो हायर सेकेंडरी देवो कॉलोनी है। तो इतना बड़ा ज़मीन जो उस समय में हमारा पिता मतलब फोर फादर ने एकदम मतलब उन लोग ये क्या बोलता है फ्रीली डोनेट किया है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा फोर फादर ने उस समय में जब नया नया जब कामिंग डिस्ट्रिक्ट से इस्कामिंग को जब ये इस्कामिंग बाइफर्केट हो रहा था 1968 में, तो उस समय जब नया नया बाइफर्केट करने के लिए जब चल रहा था, उस समय जब ये सेपा को मतलब डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर के लिए मतलब जब ये क्या बोलता है सेलेक्ट कर दिया था, तो उस समय हमारा फोर फादर इनोसेंट था। तो इनोसेंट के साथ में हमारा फोर फादर लो ये आतो सोपा दिल भी बड़ा था, वो जो सोसाइटी के लिए सोचने वाला आदमी था। तो विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट विलिंगली, फ्री ऑफ कोर्स, विदाउट एनी कंपेंसेशन, विदाउट एनी कंपेंसेशन ए सिंगल पेनी, तो उन्होंने पूरा अपना जो मोस्ट ये वैल्यूएबल लैंड, जो जमीन एकदम प्लेन वाला जो जमीन है, जो वैल्यूएबल मोस्ट वैल्यूएबल जमीन है, अपना जमीन को पूरा मतलब हमारा सिंगी का जितना 60% जमीन को पूरा उन्होंने मतलब ये क्या बोलता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए उन्होंने फ्रीली डोनेट किया है। वो आप लोग के पास एविडेंस है? नहीं, वो एविडेंस वो आपको हम, मेरा पास में सब कुछ है, वो पेपर भी हम चाहने से आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, अभी प्रोवाइड कर देगा। उस समय का जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ में हमारा सोसाइटी का एल्डर्स लोग के साथ में एग्रीमेंट हुआ था, वो भी हम प्रोवाइड कर देगा। लेकिन उससे पहले हम जो पॉइंट को ना हम अच्छा से आप लोग का बीच में हम रखना चाहता है, तो इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट में डोनेशन कंट्रीब्यूट किया है, डोनेशन दिया है। तो आज का दिन में ये और ये आप लोग को ये क्या बोलता है ये प्लेटफॉर्म में ये माध्यम से हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि मतलब ये जो अभी जो जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बेबो कॉलोनी है, तो और ये जहाँ में जो इस जो बैडमिंटन हॉल जो बनाया गया है, तो उस समय अभी हम पेपर को भी आपको हम सर्कुलेट कर देगा। तो उस समय वो जगह जो वो हायर सेकेंडरी के ऊपर में एक तो पहले बॉय हॉस्टल हुआ करता था, बॉय हॉस्टल ना, तो बॉय हॉस्टल का जस्ट बगल में एक तो प्लेन एरिया है बड़ा सा, तो प्लेन एरिया बॉय हॉस्टल का वहाँ में है। तो वो जगह जो और पूरा हायर सेकेंडरी जो एरिया जो वहाँ में पहले मेरा जो हम लोग का जो फोर फादर उसका बस्ती हुआ करता था। जब 1973 में जब डिस्ट्रिक्ट इसको डिमार्केट कर चुका था सेपा को, डिमार्केट मतलब हेडक्वार्टर के लिए सेपा को जब फाइनल करने के बाद में वहाँ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खुलेगा बोल के, और ये उसका बाद में वहाँ में हायर सेकेंडरी खुलेगा बोल के वहाँ में, तो खुलेगा बोल के वहाँ पर रातों रात हमारा जो फोर फादर लोग को वहाँ का जो 7-8-12 घर जो वहाँ में जो बसा था उसको रातों रात ये वहाँ से गवर्नमेंट जो रिलोकेट कराया गया था, एविक्शन कराया गया था। वो मतलब जूता मतलब कंपेंसेशन देगा बोल के मतलब वो वादा करके उन लोगों को रातों रात मतलब आधा को धोनी गांव में भेज दिया, आधा को संगरी गांव में भेज दिया। तो ऐसे करके उस समय 1973 में हम लोग का फोर फादर को जबरदस्ती वहाँ से भगाया गया था। तो इसलिए तो हम लोग ने ये क्या बोलता है तो इसलिए मतलब तो इतना सारा जो हमारा ये सोसाइटी का फोर फादर ने हम मतलब डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के लिए इतना सारा कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको लेके तो हमारा सोसाइटी जो संतु संगी वेलफेयर सोसाइटी जो 2002 में हम लोग जो फॉर्म किया था इसको, तो जैसे फॉर्म किया है तो हम लोग का ये एक चाहता कि मतलब तो हमेशा मतलब ये क्या चाहता कि इतना सारा हम लोग मतलब ये डिस्ट्रिक्ट के लिए जो मेरा पिताजी ने फोर फादर ने कुर्बान किया है, तो उसको कुछ ना कुछ मतलब ये हम लोग वो करना है, एक है से टोकन ऑफ लव, है से ग्रेटिट्यूड, मतलब हम लोग कुछ वो करेगा बोल के। और जो अभी तक जो सेपा से जो सेपा टाउन हो गया और ये धोनी गांव हो गया, तो अभी संगरी गांव हो गया, तो ये जो बाउंड्री को भी मतलब हम लोग ये क्या बोलता है थोड़ा सा क्लियर करना है बोल के हम लोग सोसाइटी जब से 2002 में फॉर्म किया है हम लोग ये चीज़ को हम लोग हमेशा लड़ते आया है और अभी भी लड़ रहा है। तो आज का डेट में हम ये प्लेटफॉर्म का द्वारा हम जितना भी जो इस कामिंग का जनता है, जो इस कामिंग का जो पब्लिक है, हम आप लोग को जितना भी जो हमारा जो सी बी ओ से एन जी ओ से हम सभी को हम आप लोग का माध्यम से बताना चाहता है कि आज सेपा का अर्बनाइजेशन जो सेपा का टाउनशिप जो आप लोग को पता है कि एक ज़माना में नींबू पानी जो अभी जो नींबू पानी न्यारी मोरे विलेज वहाँ में एक दो सिर्फ घर रहा करता था हमारा बस्ती का, तो आज देखिए वो वहाँ में इतना पॉपुलेशन हो गया कि वो अभी सेपा टाउन का एक कॉलोनी बन गया। तो अर्बनाइजेशन आज का डेट में इतना जल्दी बढ़ रहा है, तो अभी ऐसे हो गया कि अभी हमारा जो धोनी गाँव बस्ती है उसका दरवाजा का सामने तक अभी मतलब अर्बनाइजेशन आ गया, सेपा टाउनशिप का बाउंड्री आ गया। तो हम लोग 2002 से ये सोसाइटी हम लोग जब से फॉर्म किया है हम लोग इस बाउंड्री को सेपा का बाउंड्री कहाँ तक है टाउनशिप का और धोनी गांव का बाउंड्री कहाँ तक है,
हमारा बस्ती का बाउंड्री कहाँ तक है बोल के, हम लोग 2002 से हम लोग लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ले, ये चीज़ को हम लोग कितना बार रिप्रेजेंटेशन दिया है और ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को एटलीस्ट हम लोग बाउंड्री को क्लियर कर दो बोल के। लेकिन अभी तक हम लोग ये इतना सालों से लड़ते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को पता नहीं है कि एक्जैक्टली पता नहीं हम लोग का बाउंड्री कहाँ पर है। तो आज का डेट में हमारा संगीत जो उस ज़माने में अपना जो कीमती ज़मीन को दे के उस समय में जो गया था, मतलब डिस्ट्रिक्ट का हित में, डिस्ट्रिक्ट का वेलफेयर के लिए जो दिया है, तो दे के आज का डेट में हमारा धोनी गांव का भाई दादा, हमारा संगरी गांव का भाई दादा आज का डेट में अपना ही ज़मीन में बेघर होकर घूम रहा है, वो अपना ही ज़मीन में बेघर होकर घूम रहा है, अपना ही ज़मीन का बाउंड्री को मालूम नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये सेंटिमेंट को लेते हुए हम लोगों ने, मतलब जब ये जो नया जो बैडमिंटन हॉल चल रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो तब कंस्ट्रक्शन हो के जब ये क्या बोलता है ये टूर्नामेंट का आगे में जब ये जब ऑलमोस्ट बन के जब ये इनोग्रेशन का जब हो रहा था, तो तब उससे पहले हम लोगों ने सोसाइटी वालों ने, तब ये हम लोग का जितना भी सोसाइटी का जो सेंटिमेंट को लेके हम लोगों ने ये मतलब एक तो मीटिंग रखा था, हम लोग ये डिसाइड किया कि चलो चलो ना हम लोग एक कोशिश किया जाए, क्योंकि हम लोग का जो फोर फादर आतो सोपा ने इतना डिस्ट्रिक्ट के लिए पूरा अपना ज़मीन को पूरा बेच दिया, मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए कुर्बान किया है, एटलीस्ट हमारे पिताजी का नाम से, एक हमारे फोर फादर का नाम से, एटलीस्ट ये बैडमिंटन हॉल को आतो सोपा का नाम से नामकरण करेगा बोल के, नाम को रख देगा बोल के, रखेगा बोल के हम लोगों ने एक इनिशिएट लिया। तो इनिशिएट लेने के बाद में हम लोगों ने उसके साथ बाद में हम लोगों ने हमारा जो ये इस्कामिंग का जो हेड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, हम सोसाइटी ने हमारा डीसी सेपा को मिला, हम लोग का रिप्रेजेंटेशन को सबमिट किया। तो उसके बाद में हम लोग ये ईटानगर में जाके हम लोग का जो ये पूरा इस्कामिंग का जो टीम इस्कामिंग है, जो चारों हॉनरेबल है, चारों जो हॉनरेबल है एमएलए है, तो उन चारों को हम लोग ने ये रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है। तो हमारा हॉनरेबल जो हमारा का ये मंत्री श्री मामानतुन जी को मिला, रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। उसके बाद में हमें हॉनरेबल एमएलए हमारे तेन इसका तापू ताकू जी को भी सबमिट किया। तो उसके बाद में उस समय ये कई ग्रुप जो शायद दिल्ली में कुछ हो के उसको पर्सनली तो मिल नहीं पाया, लेकिन टेलीफोनिकली उसको ये बात करके हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। उसके बाद में आयोग को भी उस समय वो भी बिजी हो के ये कई बिजी हो के पर्सनली नहीं मिल पाया, लेकिन टेलीफोनिक बात करके हम लोग रिप्रेजेंटेशन को सबमिट किया। तो ऐसे चलते तो ऐसे हो के अभी ये जो आतो सोपा का बैडमिंटन हॉल जो, तो ये 5 अगस्त ये 2023 इस ये महीना को हम लोग ने मतलब ये आतो सोपा हॉल को इनोग्रेशन किया है, और ऑन बिहाफ ऑफ संगतु संगी वेलफेयर सोसाइटी आज का दिन में हम ये सोसाइटी के हमारा संगतु संगी वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से हम हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो तीनों जो टीम इस्कामिंग को हम तय दिल से हम धन्यवाद करता है कि हमारा जो सोसाइटी का इमोशन को समझा है, हमारा सोसाइटी का दर्द को समझा है, और आतो सोपा का बैडमिंटन जो हॉल है उसको इनोग्रेट कर दिया बोल के। तो इसलिए तो उसके बाद में ये इनोग्रेट किया है 5 अगस्त में। तो उसके बाद में ये मैं ये बोल रहा हूँ कि तो इसमें ये आगे जो बोला है जो एक्सू वाला जो ये बोल रहा है कि ये जो रेफरेंसेशन में हम लोग को ये देखने को मिला कि आतो सोपा का इस कमिंग के लिए कुछ क्रेडिट नहीं है, तो उसका बाद में जो क्या बोलता है जो कंट्रेक्टर जो कंसर्न कंट्रेक्टर है वो अपना पर्सनल मोटिव के लिए किया है, तो उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि तो वो उसमें कोई पर्सनल मोटिव का नहीं है, वो जो पूरा जितना भी जो ऑन द डायरेक्शन ऑन द नॉलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द नॉलेज एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑल द ये टीम इज कमिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का थ्रू से वो चीज़ ये चीज़ जो हुआ है, और उसके बाद में जहाँ तक हमारा आतो सोपा का जो ये इस कमिंग का डेवलपमेंट में योगदान का बात करने से आप सोच के देखिए, अभी मैं कहानी को बताया आप हमारा इस कमिंग के लिए पूरा आतो सोपा जो हमारे टाउन का जितना भी जो 60% जो लैंड है उसको हमारा आतो सोपा ने हमारा सिंगी ने डोनेट किया है फ्री ऑफ कॉस विदाउट एनी कंपनसेशन। तो हम ये हमको ये हमारा सोसाइटी को ये दुख लगता है कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी, इतना बड़ा योगदान, इतना बड़ा बलिदान देने के बाद भी, तो कैसे बोल सकता है कि आतो सोपा मेरा आतो सोपा जो ये इस कमिंग का डेवलपमेंट में कुछ योगदान नहीं दिया बोलते। तो मैं तो ये बोलता है कि आज का दिन में हमारा सोसाइटी ये दावे के साथ हम बोल सकता है कि
ऐसा कंट्रीब्यूट, ऐसा ऐसे सेक्रीफाइस इस कामिंग का डेवलपमेंट के लिए कोई किया भी नहीं अभी तक और करेगा भी नहीं है। इतना बड़ा योगदान कोई करेगा भी नहीं है। तो अपना जो इतना कीमती ज़मीन को, इतना प्रेशियस ज़मीन को पूरा डिस्ट्रिक्ट का हित के लिए, अपना इस कामिंग के लिए उन्होंने कुर्बान किया है, तो उसके लिए छोटा सा एक नाम रखने में क्या तकलीफ है। तो इसलिए मैं ये हमारा जो जितना भी जो इस कामिंग का जो जनता है, जो वो हमारा जो खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो है जो इस बारे को जो वो कर रहा है, हम सभी को ये रिक्वेस्ट करता है कि आप काइंडली मतलब उसको देख लीजिए। मतलब तो उसमें इतना बड़ा जो कंट्रीब्यूशन किया है, इतना बड़ा जो हम लोग सोसाइटी जो मेरा आत्मसम्पा जो वो किया है, वो चीज़ को हम लोग एक छोटा सा उसको वो नाम को वो करने के लिए हम लोग ने कोशिश किया है। और दूसरा बात ये है कि जो एक का जो रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग को ये क्या बोलता है सोशल मीडिया के तौर से देखने को मिला है कि जो आत्मसम्पा जो बैडमिंटन हॉल है उसका जो क्यों मतलब उसको वो जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है क्यों उसको बाहर का आदमी कंट्रेक्टर है बोल के या तो कोई भी करके ओनरशिप क्यों मतलब लिया है और क्यों मतलब ये ओनरशिप चेयरमैनशिप अपना से चेयरमैन करके उसको ओनरशिप लेने के लिए कर रहा है बोल के ऐसा एक उसका सेकंड पॉइंट में ऐसा है, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में है। तो हम ये आज का ये प्लेटफॉर्म में हम जितने भी आपका थ्रू से हम जितना भी जो हमारा इस कमिंग का जो जनता है जो खास करके और जितने भी सी बी ओस है, आस्को है, हमारा एक्सो जितने भी लोग हैं, हम इस माध्यम से हम आज का आपका थ्रू से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो बैडमिंटन हॉल है आत्मसम्पा जो बैडमिंटन हॉल अभी जो रिसेंटली जो 5 साल में एनिग्रेशन हुआ है उसका एक्चुअली ये फिजिकली तो पूरा कम्प्लीट है। आप लोग देखिए पूरा अच्छा से उसका क्वालिटी को देखिए, इतना बढ़िया से फिजिकली कम्प्लीटेड है, लेकिन उसका फाइनेंशियली उसका इनकम्प्लीट है अभी तक। उसका अभी तक पेमेंट कॉन्ट्रेक्टर को 50% ही मिला है, 50% अभी तक पेमेंट करना बचा है। तो ये 50% बचा है तो ये बैडमिंटन हॉल जो इसमें ये कंप्लीट मतलब ऐसे करना भी नहीं चाहिए, मतलब करना नहीं था। ये जो क्यों किया बोलने से आप लोग को पूरा सेपा का पूरा मालूम है अरुणाचल का। रिसेंटली जब ये 6 तारीख से लेकर 9 तारीख जो हमारा जो स्टेट का जितना सबसे बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट बोलता है जो सबसे मतलब प्रेस्टिजियस मतलब बैडमिंटन टूर्नामेंट उसको बोलता है, उसको दोर्जी कांदू बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो स्टेट का हाईएस्ट लेवल मतलब टॉप लेवल मोस्ट प्रेस्टिजियस बैडमिंटन टूर्नामेंट है, तो वो जो 6 तारीख से लेकर 9 तारीख सेपा में कंडक्ट हुआ है। तो उसको कंडक्ट करने के लिए सेपा में आपको पता है कि यहाँ पे एक ही बैडमिंटन कोर्ट है जो ये क्या था ऑफिसर क्लब है, तो वो एक ही बैडमिंटन कोर्ट में वो जो मतलब ये नहीं बन पा रहा था, इसलिए अरुणाचल बैडमिंटन एसोसिएशन जो आसबा है और इस कमी बैडमिंटन एसोसिएशन जो एक बार जो ये जो कंट्रेक्टर है उसको मतलब ये रिक्वेस्ट किया कि नहीं मतलब ये जो दोर्जी कांदू बैडमिंटन टूर्नामेंट से पहले एनी हाउ इसको ये कोर्ट को मतलब कंप्लीट जैसे भी कर दो, मतलब ना जैसे भी रिक्वेस्ट किया है कंप्लीट करना बोल के ताकि जो उसको भी यूज़ करके जो भी मतलब ये टूर्नामेंट होगा स्मूथली चले ऐसे बोल के रिक्वेस्ट किया है। तो ऑन बेसिस ऑफ ये डेट रिक्वेस्ट आसबा और ये एकबा का रिक्वेस्ट का कारण से तो ये आप ये क्या बोलता है ये बैडमिंटन कोर्ट को बेचारा जो कंट्रेक्टर है जो राजेश सिंह जो इतना विद इन नो टाइम में विद इन 2 मंथ्स का अंदर में तरह तरह इतना पैसा जहाँ तहाँ से जुगाड़ करके एकदम मतलब अपना पूरा पूंजी लगा के उसको इतना विद इन 2 मंथ्स के अंदर में इतना बढ़िया से उसको कंप्लीट कर दिया टाइम फ्रेम से पहले, टाइम से पहले। तो इसलिए उसका बाद में आप लोग देखा है कि वहाँ पर इस बार टूर्नामेंट हुआ है और टूर्नामेंट इतना अच्छे से कंडक्ट हुआ, कंडक्ट होने के बाद में आप देखो इस कमिंग में पहले बार इतना बड़ा टूर्नामेंट इतना सक्सेसफुली हुआ है, फर्स्ट टाइम वहाँ में टूर्नामेंट बैडमिंटन खेलने वाला को लाइव टेलीकास्ट हुआ गया है, तो इस कमिंग का एकदम सेपा का एक इतना अच्छा नाम गया है। तो वो चीज़ को करने के लिए वो ये क्या बोलता है जो कंट्रेक्टर है राजेश सिंह जो उन्होंने मतलब इस कमिंग के लिए इतना तरह तरह करके टाइम से पहले उसको बनाया गया है। तो अभी तो उसका कंप्लीट पेमेंट नहीं हुआ, 50% सिर्फ पेमेंट हुआ है, तो इसलिए तो जब तक पेमेंट 50-100% पेमेंट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है और जब तक कंप्लीट करके RWD जो एजुकेशन एजेंसी है उसको जब तक हैंड ओवर नहीं करता है तब तक उस बीच में कुछ भी हो जाता है तो वो घर जो तोड़ा पूरी हो जाता है तो कुछ बाथरूम अगर वो तो कोई केयर नहीं करने से 1-2 दिन में बाथरूम फुल हो जाएगा।
तो वो चीज़ को मतलब केयर करने के लिए उन्होंने मतलब ये बीच में ये एक केयर देकर अपना को एक मतलब जब तक फुल पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक ये देखभाल करने के लिए, जब तक डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं करता है तब तक उसको केयर मतलब केयर करने के लिए उन्होंने अपना को एक केयर टेकर के रूप में मतलब ये क्या बोलता है वो एक अपना को वो करके इसको थोड़ा समय के लिए देख रहा था, वो देखने के लिए कोशिश किया है। तो इसलिए इसमें मतलब ये मैं जितना भी जो हमारा जनता है हमारा इस कामिंग का जितना वासी है हम उसका हमारा आज का ये आप लोग का थ्रू से मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारा सोसाइटी का संगतुंग एंड संगी वेलफेयर सोसाइटी का कोई इंटेंशन नहीं है। वो ये बैडमिंटन हॉल को हम लोग अपना से लेगा, प्राइवेटाइज करेगा, हम लोग यूज़ करेगा, हम लोग रेवेन्यू लेगा, ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है। ना उसका जो कॉन्ट्रेक्टर है राजेश सिंह जिसको अभी तक पेमेंट कंप्लीट नहीं मिला है, तो ना उसका ये कुछ करप इंटेंशन है। वो क्या बोलता है वो बैडमिंटन कोर्ट को लेके वो अपना यूज़ करेगा, वो बैडमिंटन कोर्ट को लेके वो करके कुछ उसे कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट का ही है। वो इस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर इज कमिंग डीसी का अंदर में है। वो बाद में काम पेमेंट फुल कंप्लीट होने के बाद में यही जब ये डिपार्टमेंट को कंसर्न डिपार्टमेंट एजुकेशन एजेंसी आरडब्ल्यू को हैंडिंग टेकिंग करने के बाद में वो डीसी ये किस को देना नहीं करना देना वो डीसी का बात है। तो उसमें कोई हम लोग का उसमें कोई वो नहीं है। तो इसलिए आप लोग पूरा इसको ये क्या बोलता है क्लियर कर लेना है। और ये है और उसका बाद में और ये दूसरा हम लोग को ये सोशल मीडिया की तरफ से और दूसरा लेटर हम लोग को ये देखने को मिला है जो हमारा जो हायर सेकेंडरी आगे जो बोला है जो हायर सेकेंडरी का जो प्रिंसिपल है देवो कॉलोनी का जो लर्नेट हमारा जो आऊ कोचो जमो उसका तरफ से जो डीसी को रिप्रेजेंटेशन लिखा है। तो उसमें वो लेटर में हम उसको भी मैं थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वो लेटर में ये है, ये लेटर में मेरे पास में है। तो ये लेटर में उन्होंने ये ऐसा लिखा है कि वो जो बैडमिंटन हॉल है जो आतो सोपा जो बैडमिंटन हॉल है वो जो स्कूल कैंपस में स्कूल का टेरिटरी अंदर में कैसे आया है उन लोगों का बिना नॉलेज में आया है। और वो जो इनॉग्रेशन भी उस दिन में मतलब कैसे वो हुआ है तो उन लोगों का नॉलेज का बिना उन लोगों का परमिशन का बिना ये चीज़ जो हुआ है बोल के वो ऐसा लिखा है। तो उसके बाद में और ये भी वो लिखा है कि डीसी को कि वो जो एक आदमी जो ये अपना को सेल्फ प्रोक्लेम मतलब चेयरमैन मान मतलब अपना को बोल के और ये जो आतो सोपा बैडमिंटन हॉल जो बेबो कॉलोनी में स्कूल के अंदर में जो बना है उसको टेक ओवर करने के लिए प्राइवेटाइज करने के लिए अपना लेने के लिए ऐसे मतलब करेगा बोल के देख रहा है बोला वो। तो इसलिए तो वो डीसी को वो ऐसे लिखा है। तो उसको हम ये क्या बोलता है आपका माध्यम से हम ये आज का दिन में हम ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जितना भी हमारा इस काम का जनता जितना भी लोग जो आपका जो न्यूज़ पेज को जो फॉलो करता है उसको भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए ये जो स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये स्कीम से सैंक्शन हुआ है जब ये स्कीम सैंक्शन हुआ था तो इसको एक लोकेशन एक तो सुइटेबल जगह मतलब एक तो चाहिए था मतलब जहाँ पे गाड़ी पहुँचे जहाँ पे लोग अच्छा से पार्टिसिपेशन हो उसका बैडमिंटन का अच्छा से उसका यूज़फुल हो ऐसा करके मतलब ऐसा हुआ। तो सेपा का लोअर सेपा में तो अभी जैसे कि ऑफिसर क्लब है लेकिन जो अपर जो बेल्ट अपर जो सेपा हो गया जो अभी टाइबान हो गया ये एरिया में कहीं भी बैडमिंटन हॉल नहीं है। तो यहाँ हालांकि यहाँ प्लेयर बहुत है तो उसका चलते ये जगह को फिशिबल जगह सेलेक्ट किया गया था। तो सेलेक्ट करने के बाद में जब ये जगह में जब बिल्डिंग जब बनने से पहले स्कूल अथॉरिटी को डिस्कस किया गया था तो ये हमारे पास में अभी ये है आपको हम ये अभी हम सार्व भी कर देगा ये है ये देखो ये हमारा पास में ये है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जो हमारा जो ये क्या बोलता है स्कूल का जो हायर सेकेंडरी उस समय जो प्रिंसिपल जो ये जॉर्जो एस यंको ये जो डेट है कब का डेट है मार्च 2002 को ये जो NOC दिया है। तो इस NOC का बेस में ये वहाँ पे मतलब वो जगह को फाइनल किया गया और उसके बाद वहाँ में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है। तो चालू हो के वो थोड़ा ये काफ़ी दिन चला कंस्ट्रक्शन बनता रहा तो उस बीच में ये ऐसा कुछ आवास नहीं था दे वी आर वेरी हैप्पी। तो उसके बाद में 5 अगस्त को जो 5 अगस्त को
जब ये बैडमिंटन डी के टूर्नामेंट यहाँ होना है बोल के जब फाइनल किया गया था तो उसमें तरह तरह बना के जब 5 अगस्त को जब इनोग्रेशन किया गया था वो इनोग्रेशन भी कई चुप के नहीं किया गया है। इस कमिंग का जितना भी जो डिग्निटरीज है ऑनरेबल मिनिस्टर से लेकर एमएलए डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर से लेकर एसपी डीडीएससी जितना भी एचओडी है सब उसमें शामिल था। और हम आपको ये बता दूं कि वो दिन में हमारा जो हम लोग ने ये इनविटेशन भी दिया था हमारा जो स्कूल का जो फैकल्टी है जो हमारा हायर सेकेंडरी बेबो कॉलोनी उसको भी हम लोग सर्व किया गया था। और ये हमारा जो अभी जो कोचो सर है जो प्रिंसिपल है वो भी वो इनोग्रेशन डे में खुद भी शामिल था। और उसका साथ में जितना स्कूल का ये जितना भी फैकल्टी है वाइस प्रिंसिपल सब वो फंक्शन में शामिल था। और उसके बाद हम लोग उसको प्रेजेंटेशन भी किया गया है प्रेजेंटेशन फेलिसिट किया गया है वो दिन में भी कोचो सर को। तो आज का दिन में ये फ्रॉम वेरी सीनियर हम लोग इस्कामिंग का जो इतना सीनियर जो ऑफिसर है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो सीनियर जो आदमी है तो लकीली जो आज इतना जो सबसे पुराना इंस्टीट्यूट को जो गवर्न कर रहा है जो प्रिंसिपल है तो इस तरह का जो ये मतलब इतना होने के बाद में इतना सब होने के बाद में इस तरह का जो एलिगेशन टाइप का इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन जो डीसी को लिखना ये जो मतलब हम लोग को बहुत शॉकिंग हुआ है और बहुत मतलब बहुत दुख हुआ है। और ये दूसरा उसका एक पॉइंट है कि तो वहाँ में ये जो आतोष ओपा बैडमिंटन हॉल है उसको कोई सेल्फ प्रोक्लेम आदमी जो कॉन्ट्रैक्टर जो खुद मतलब चेयरमैन बन के उसको टेक ओवर करने के लिए कर रहा है ऐसे बोला है। तो उसको मतलब ये क्या बोलता है मेंबरशिप ड्राइव कर रहा है ऐसे ऐसे बोल के तो उसको हम आपका माध्यम से ये चीज़ को हमें आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि देखिए ये जो मैं आगे बोला जैसे मैं आगे बताया जब ये क्या बोलता है ये काम जो आतोष ओपा जो अभी बैडमिंटन हॉल है उसका फुली मतलब फाइनेंशियली उसका इनकम्प्लीट है उसका सिर्फ 50% ही पेमेंट हुआ है। तो 50% पेमेंट हुआ है तो जब तक पेमेंट नहीं कंप्लीट नहीं होगा तो उसका तो कंसर्न कॉन्ट्रेक्टर का जिस तक वो जो जब तक कंसर्न डिपार्टमेंट को जो एजुकेशन एजेंसी को जब तक हैंड ओवर नहीं करता है वो तो कंसर्न जो कॉन्ट्रेक्टर है उसका रिस्पॉन्सिबल है ना। उसका डैमेज उससे पहले में कुछ डैमेज हो जाता है कुछ खराब हो जाता है उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए तो उसको तब जब तक पेमेंट नहीं हो जाता तब तक मतलब कुछ भी डैमेज नहीं होने के लिए कुछ भी मतलब नहीं होने के लिए तब तक टेम्पोररी मतलब उसको लुक आफ्टर के लिए ये उसको कर रहा है बोल के उसी के लिए जस्ट कर रहा है बोल के तो वो चीज़ को कर रहा है बोल के वही प्रिंसिपल को भी हमारा जो कॉन्ट्रेक्टर है काफ़ी बार बताया गया डिस्कस भी किया गया। और हमारा जो ये क्या बोलता है जो वाइस प्रिंसिपल है तो उसको भी ये चीज़ को हम लोग मतलब ये क्या था अच्छे से डिस्कस किया गया था। और ये भी डिस्कस किया गया था कि मतलब कुछ दिन वो स्कूल का जो वाइस प्रिंसिपल है जो ये जो वाइस प्रिंसिपल जो आउट ऑफ स्टेशन में है तो वो वापस आने के बाद में स्कूल मैनेजमेंट और ये कॉन्ट्रेक्टर के साथ में वो स्कूल कैसे वो करेगा बोल के मोरलिटीज कैसे करेगा बोल के उसका भी मीटिंग करेगा बोल के ऐसे भी बात हुआ था मतलब। तो इतना चीज़ मतलब उन लोगों को मतलब अच्छा से मतलब पूरा क्लैरिफाई किया गया था मतलब इसको ये बैडमिंटन हॉल को हम ये राजेश संगी जो कॉन्ट्रेक्टर है कंप्लीटली लेने के लिए नहीं कर रहा है उसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन करने के लिए नहीं कर रहा है ऐसे बोल के जस्ट जब तक पेमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक उसको लुक आफ्टर के लिए टेक केयर के लिए तब तक के लिए हम तो ये क्या कर रहे थोड़ा सा संभाल रहा है बोल के ऐसे कर रहा है बोल के बहुत बार मतलब ये कॉरेस्पॉन्डेंट क्लैरिफिकेशन दिया है फिर भी इतना देने के बावजूद भी ये हम लोग को कल बहुत सरप्राइज हुआ और बहुत दुख की बात है कि हम लोग को कल ये सोशल मीडिया में वो एक तो जो रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है कि वो ऐसा मतलब ये क्या उसको कुछ नॉलेज में नहीं था कुछ मालूम नहीं था और ऐसा करके डीसी को जो मतलब रिप्रेजेंटेशन लिखा है तो इसलिए ये बहुत दुख की बात है। तो इसलिए मैं आज का दिन में जितना भी जो हमारा जो इस बीच में उस दिन जब इनोग्रेशन हुआ था तो बहुत हमारा जो बस्ती का जो आप शायद देख रहा होगा बुरा जितना भी जो बस्ती का जो जीबी लो जितना है इतना खुश था। तो आज ऐसे हो रहा है बोल के तो हम लोग को सोसाइटी जितना भी है से हो जितना भी जो सोसाइटी के मेंबर्स है हम लोग को बहुत दुख है। तो इसलिए तो हमारा जितना भी जो ये हमारे इस कामिंग का जितना भी वासी है हमारा स्टूडेंट यूनियन बोली है हमारा आस्को बोली जितना भी जो CBOs NGOs जितना भी है हम ये ऑन बिहाफ ऑफ संकु सिंगी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता है कि प्लीज़ आप लोग कुछ भी हम लोग ये कुछ भी
चीज़ को मीडिया में जाने से पहले, कुछ भी एलिगेशन करने से पहले, उसका ग्राउंड रियलिटीज़ को, उसका फैक्ट को, उसका ट्रूथ को आपको जानना है। तो और जो हम लोग का जो जो ये हमारा जो फोर फादर और हमारा जो सोसाइटी है, जो इतना जो हम लोग का जो कीमती ज़मीन को पूरा इंटर इस्लामिक के लिए जो सेक्रीफाइस किया है, हम लोग का सेंटीमेंट को भी समझने से ठीक है। हम लोग का दुख दर्द जो इतना सालों से जो लड़ते आ रहा है, हम लोग जो वो करते आ रहा है, उसको भी हम लोग बिल्कुल हम लोग को समझना है, क्योंकि हम तय दिल से हम जितना भी इस्लामिक वासी हम रिक्वेस्ट करता है।